तेलंगाना के वकराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स की चावल का कुकर फटने से मौत हो गई। यह हादसा गांधी कॉलोनी में पेश आया, जहां एक बुजुर्ग रिहायशी सोमेश्वर चावल पकाने के लिए करंट का चूल्हा इस्तेमाल कर रहा था। राइस कुकर के फटने से अचानक आग के शोले के भड़क उठे, जिससे आग ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। सोमेश्वर, जो उस वक्त बावर्ची खाने में मौजूद था, शदीद आग और धुएं की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर मुकामी रिहायशी और पड़ोसी जाए वकूफ पर पहुंचे, लेकिन उसे बचाने में नाकाम रहे। जगत्याल पुलिस का मुनफरिद इकदाम। तेलंगाना गवर्नमेंट TGPSC के जेर एहतमाम ग्रुप 3 का इम्तिहान लिखने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जगत्याल दिल SP अशोक कुमार IPS की हिदायत पर जगत्याल SDPAD रघुचंदर की निगरानी में सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने ग्रुप 3 के इम्तिहानी उम्मीदवारों को पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड सर्कल पर छोटी नेहरू चौक पर एक हेल्प डेस्क कायम करते उम्मीदवारों को ले जाने के लिए मुफ्त ऑटो और मोटरसाइकिल पर पुलिस की मुफ्त खिदमत दस्तियाब की गई। माजरीन और खवातीन के लिए भी अलहदा से खिदमत रखी गई थी। इसी तरह हेल्प डेस्क पर कांस्टेबल मौजूद थे। उम्मीदवारों को कॉलेज स्कूल का पता फराहम किया गया। जगत्याल टाउन में आने वाले ग्रुप 3 के उम्मीदवार इस मौके का इस्तेमाल करते वक्त इम्तिहान में शिरकत करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंचियाल में ग्रुप 3 इम्तिहानात के लिए पुलिस की जानिब से DCP भास्कर की जेर निगरानी तमाम इम्तिहान सेंटर्स का बंदोबस्त किया गया। इम्तिहान सेंटर पर 144 सेक्शन लगा दिया गया था और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया भी पेश नहीं आया। जगत्याल जिले में ग्रुप 3 के इम्तिहानात के पेशे नजर हुकुमरान ने सख्त इंतजाम किए। जिले भर में 34 इम्तिहानी मराकज कायम हैं और 1656 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हैं। इसके लिए इम्तिहानी मराकज पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि इम्तिहानी मराकज पर आधा घंटा सुबह 10 बजे से इम्तिहान लिया जाएगा। 12:30 बजे तक से पहले 3 बजे से शाम 5 बजे तक इम्तिहानी मरकज पहुँचने पर उम्मीदवारों को अपना बायोमेट्रिक देना होगा और रेजिस्ट्रार की मौजूदगी में हॉल टिकट पर दस्तखत भी करने होंगे। करीमनगर के सुरासन खबरस्तान मुसलमानों की खबरों से बड़ा है, जो कुछ सालों से पहले इंतकाल कर गए हैं। हर खबर में 5 से 8 लोग दफन किए जाते हैं। पूरे करीमनगर के किसी भी मुसलमान को एक ही खबरस्तान में दफन किया जाता है। तदफीन मस्जिद के अहाते में वाकई मुस्लिम खबरस्तान में की जाती है, लेकिन करीमनगर कस्बे में तकरीबन 70 मसाजिद हैं। अगर करीमनगर में मुस्लिम भाइयों की मौत भी हो जाती है तो रियासती हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर करीमनगर टाउन के आसपास कहीं 10 एकड़ सरकारी अराजी फराहम करें और इन्हें दफनाने के लिए करीमनगर मुत्तहिदा जिले के मसाजिद कब्रस्तान ईदगाह कमेटी के सदनशील मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, BC वेलफेयर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर रेड्डी, IT मिनिस्टर सीधे बाबू, करीमनगर MLA जी कमलाकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करीमनगर से मुतालबा किया जाता है कि फौरन जानी तवज्जो दे और कब्रस्तान के लिए फौरी जमीन अलॉट की जाए। जगत्याल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगत्याल टाउन के 42वें वार्ड में 10 लाख और 13वें वार्ड में 5 लाख की लागत से CC रोड, ड्रेन, सैलाब और ड्रेन के कामों का सगे बुनियाद रखा। MLA ने कहा, जगत्याल टाउन में 40 करोड़ के फंड से तरक्याती काम जल्द शुरू होंगे। 9 करोड़ के कामों के टेंडर मुकम्मल हो चुके हैं। 34 करोड़ रुपए के डबल बेडरूम मकानात के बुनियादी ढांचे का काम जारी है। गोविंदपल्ली में पुल और सड़क की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। जगत्याल की तरक्की के लिए ही काम करूंगा, तमाम ब्रदरों की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। कोरोटला टाउन के बस स्टैंड के करीब और नंदी चौरास्ता के करीब ग्रुप 3 इम्तिहान के लिए तलबा तालिबात की सहूलत के लिए पुलिस कोरोटला के जेर एहतमाम हेल्प डेस्क मराकज कायम किए गए। इस हेल्प डेस्क से उम्मीदवारों ने इस्तीफादा उठाया। निर्मल में ग्रुप 3 इम्तिहानात के लिए पुलिस की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए थे, जिसकी रास्त निगरानी निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने की। तमाम इम्तिहानी मराकज का उन्होंने दौरा किया, पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने उम्मीदवारों को बताया कि उन्हें इम्तिहानी मराकज तक पहुँचने में कोई दुश्वारी पेश आए तो मुतालिका इलाके के पुलिस अफसरान को 100 नंबर पर डायल करके इत्तला दी जाए। इम्तिहानी मराकज के मुआयने में टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सोन सक इंस्पेक्टर नवीन कुमार, दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। जिले के ब्यास के बाद के
कागज नगर के पटेल गार्डन फंक्शन हॉल में आज पांचवा ओपन टू ऑल कराटे मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात से खिलाड़ियों ने कराटे के मुकाबलों में हिस्सा लिया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के 9 सेंट्रल ग्रुप 3 इम्तिहान लिखने के लिए दूर दराज मुकाम से आने वालों को बस स्टैंड से इम्तिहानी सेंटर तक पुलिस महकमे की जानिब से सहूलियात इंतजाम का सब कलेक्टर कागज नगर शरदा शुक्ला ने पुलिस की जानिब से मुफ्त सर्विस के इंतजाम किए जाने का आरटीसी बस स्टैंड पहुंचकर पुलिस की खिदमत का जायजा लेते हुए मुकामी पुलिस की जज्बे खिदमत की सताइश की। सोशल सर्विस सोसाइटी ग्रुप के मेंबर व मालिक एके मोबाइल फोन शानू, जिन्होंने 36 मरतबा खून का अतिया देकर तारीख रकम की, कोरोला टाउन में जब कभी खून के अतिया दहनगान का तस्करा आता है तो सबसे पहले कोरोटला खून के अतिया दहनगानों में कोरोटला सोशल सर्विस ग्रुप का नाम याद आ जाता है। कोरोटला टाउन के खानगी अस्पताल में जजगी के सिलसिले में अस्पताल को आने वाली खातून को खून चलाने की जरूरत पेश आई तो इस खातून के रिश्तेदारों ने कोरोटला सोशल सर्विस ग्रुप जनाब आमिर खान को दिए जाने पर उन्होंने फौरन इसका रद्दअमल का इजहार किया। अपने ग्रुप के अरकान शानू से खून का अतिया देने की ख्वाहिश की। शानू ने फौरन ब्लड बैंक पहुंचकर खून का अतिया दिया। खून का अतिया देने पर सोशल सर्विस सोसाइटी कोरोटला के मेंबरों ने शानू को मुबारकबादी पेश की। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में हुकूमत की जानिब से आज और कल ग्रुप 3 इम्तिहानात का 9 सेंटरों में अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में कागज नगर डीएसपी रामानुजम ने अपने हमरा कागज नगर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डी रमेश गौड़ के साथ मिलकर सहाफती बयान में कहा, कागज नगर में ग्रुप 3 इम्तिहानात 9 सेंटरों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। आदिलाबाद कौमी योम सहाफत के मौके पर सदर सेवा फाउंडेशन आदिलाबाद ख्वाजा सिराजुद्दीन ने दफ्तर DPRO पहुंचकर जिले ऑफिसर महकमे ताल्लुकात आमा व इत्तेलात डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बी तिरुमला से मुलाकात करते हुए कौमी योम सहाफत की मुबारकबादी दी, शॉल पोशी के जरिए तहनियत पेश की और एक यादगार मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा तबरेज खान, हाफिज समीर बेग भी मौजूद थे। जिला ऑफिसर महकमे इत्तेलात व ताल्लुकात आमा बी तिरुमला ने सेवा फाउंडेशन सदर और जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी ने कल रात महाराष्ट्र के नांदेड़ असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सत्तार, पार्लिमानी उम्मीदवार रविंद्र चौहान इंतखाबी जल्स से बुरहानगर में खिताब करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदों की मौजूदगी बेहद जरूरी है, लिहाजा आपसी अख्तिलाफात और जज्बाती तकाई को नजरअंदाज करते हुए सेक्युलर जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कौमी यहूमी सहाफत के मौके पर बतारीख 16 नवंबर बरोज हफ्ता बमखाम दफ्तर माइनॉरिटी रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन कोरोटला सोशल सर्विस सोसाइटी कोरोटा के जेर एहतमाम कौमी सहाफत डे तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सर्विस सोसाइटी के मेंबरों की जानिब से सदर प्रेस क्लब कोरोटला एम चंद्रशेखर, मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी, नामा नगर सियासत सदर प्रेस क्लब कोरोटला राजू साजिद अली, मिर्जा मुकरम बेग, शुजात अली मेटपली रमना की शालपोशी करते तहनियत पेश की गई। निजामाबाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वेंकटरेड्डी ने आज नांदेड़ असेंबली और पार्लियामानी हल्के के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए नांदेड़ पहुंचने पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबी और दीगर ने इनका खैर मकदम किया। रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी बालकुंडा हल्के के कमरपली मंडल से ताल्लुक रखने वाली सावन दरिया को हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए का LOC मंजूर करवाकर आज सावन दरिया के हवाले किया। अखिलियती बहबूद ऑफिसर जिले आबिदिलाबाद के राजा लिंगू की तला के मुताबिक महकमे अखिलियती बहबूद के जेर एहतमाम तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्का हैदराबाद की जानिब से अखिलियती तलबा को बैरून मुल्क में आला तालीम के हसूल के लिए जरूरी इम्तिहानात IELTS और GRE टोफेल की मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। ज़िमन में रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा अहल अखिलियती तलबा मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध से दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। दरख्वास्तें 18 नवम्बर तक 30 नवम्बर तक वसूल की जाएंगी। निजामाबाद कॉर्पोरेटर एम खुद्दूस मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा नांदेड़ में इंतखाबी मुहिम में शरीक हैं। आज मोहम्मद अली शब्बीर के साथ तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, नांदेड़ पार्लिमानी उम्मीदवार रविंद्र चौहान से मुलाकात की मुबारकबादी ने ख्वाहिशात का इजहार किया।
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا 19 نومبر کو دورہ ہنمکنڈہ ورنگل۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر ریاستی وزراء کا جگہ انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔ ریاستی وزراء کنڈا سریکھا، سیدھر بابو، پورم پربھاکر نے حکومت کے مشیر ویم نیندی کے ساتھ مل کر ہنمکنڈہ کے آرٹس اینڈ سائنس کالج میدان میں جلسیام کے انعقاد کے پس منظر میں میدانی سطح پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔